लेखा चित्र पाठ 18 कक्षा 8 गणित। स्वयं करें 18.2। सवाल है, मैंने 4 कॉपी 20 रुपये में खरीदा। इस कॉपी की संख्या के साथ कॉपियों का मूल्य का तथ्य एवं उस लिखे तथ्य का लेखा चित्र कागज पर बैठा है। ये तथ्य लिखा हुआ है टेबल, यहाँ पर कॉपियों की संख्या दिया हुआ है 4, 8, 10, 12 और उनका मूल्य दिया हुआ है। इस टेबल से हमें लेखा चित्र बनाना है। फिर क्या बोला, लेखा चित्र कागज पर स्वयं लेखा चित्र बनाए और उस लेखा चित्र से 6 कॉपी का मूल्य एवं 45 रुपये में कितने कॉपियां मिलेगी हिसाब करके लिखे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉपियों को अगर हम x मान लेंगे और इसको y, तो हमारा पॉइंट्स मिल जाएंगे, स्थानांक मिल जाएगा। इसको अगर a पॉइंट b c d पॉइंट मान लेते हैं, तो a पॉइंट का स्थानांक क्या हो जाएगा, 4, 20, b का हो जाएगा 8, 40 और c का हो जाएगा 10, 50 और d का हो जाएगा 12, 60। ठीक है, स्थानांक मिल जाएगा। इसी स्थानांक के हिसाब से चारों पॉइंट को बैठाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इसमें x y एक्सिस को बना लेते हैं। तो हमने यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया है। अब सवाल में देखो, सवाल में दिया हुआ है x का मान 12 तक है और कॉपी y एक्सिस में y का मान 60 तक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं y एक्सिस में 60 तक पॉइंट लिख पाएंगे कि नहीं। देखो, एक पतला लाइन और मोटा लाइन दिया हुआ है। मोटा लाइन मतलब 10, पतला लाइन मतलब 5। गिन के देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आपका ग्राफ पेपर बिल्कुल इसी तरह रहता है। मोटा लाइन यानी कि 10 और पतला लाइन यानी कि 5। तो 10, 15, ये तो 15 तक ही है और x एक्सिस 10, 20, 25 तक है, यानी कि यहाँ 12 तक आराम से ले सकते हैं x एक्सिस पर। y का मान हम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स का मान हम बढ़ा के लेंगे। जैसे एक बॉक्स मतलब एक होता है, लेकिन हम यहाँ एक बॉक्स का मान अगर 5 करके ले तो 60 के लिए कितने बॉक्स लगेंगे, 12 बॉक्स लगेंगे। ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे, साइड में लिखा जाता है ग्राफ में एक ही एक बॉक्स मतलब कितना होता है, लिख लेंगे एक, ये वर्ग है, वर्ग इक्वल टू क्या है, 5 रुपीज वाई अक्ष पे। उसी तरह एक अक्ष पे क्या है एक वर्ग के बराबर, तो लिख देंगे एक वर्ग बराबर एक कॉपी एक्स अक्ष पे। ठीक है, एक वर्ग बराबर 5 रुपए वाई अक्ष पे और एक वर्ग बराबर एक कॉपी एक्स अक्ष पे। और यहां लिख लेंगे 0, यानी कि मूल बिंदु क्या है, 0, 0। अब हम बिंदुओं को बैठाएंगे। तो सबसे पहला है 4, 20, यानी कि कॉपी के लिए 4, एक्स का मतलब 1 है, तो यहाँ 4 ले लेंगे सिंपल 4। और वाई कितना है, 20, यानी कि एक मतलब 5, तो 5, 10, 15, 20 यहाँ तक जाएगा। इसका नाम क्या लिख देंगे हम, 4, 20 हो गया। दूसरा बनाएंगे 8, 20, 4, 20 था ना, 4, 20, 8, 40। तो y एक्सिस पे 8 बनाना है, y एक्सिस पे 10 यहाँ पे होता है, मोटा लाइन 10, तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 40 यानी कि 8, तो 5, 3, 8, ये आपका यहाँ बन जाएगा 8, 40। उसी तरह दूसरा पॉइंट है 10, 50, ये मोटा वाला लाइन 10, 50 कौन सा होगा, 5, 10, 50, यानी कि इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 5, 10, 50 ना, 10, 50। उसके बाद पॉइंट क्या है, 12, 60,
तो 12 कहाँ आएगा, 10 ये मोटा लाइन, 12 यहाँ पे आएगा, 60 मतलब क्या होगा यहाँ, तो 50, 5, 10, 60, ये घर बराबर 5 था, यहाँ ले देंगे 12, 60। देखो एक घर बराबर 5 था, तो एक वाई एक्सिस में क्या था इसको लिख देते हैं, वाई एक्सिस में कॉपी का मूल, कॉपी की संख्या था, क्या लिख रहे हैं, कॉपियों की संख्या, और ऐसे एरो बना देंगे, और एक्सिस वाई एक्सिस में क्या था, कॉपियों का मूल्य, तो लिख देंगे कॉपियों मूल्य, और ऐसे एरो बना देंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, ये तो हमने रेखा चित्र बना दिया, मतलब कागज बिंदु बैठा दिया, बिंदु बैठाने के बाद इसको मिला देते हैं, बिंदुओं को स्केल की सहायता से इस बिंदुओं को मिला देते हैं। ये हमने बिंदुओं को मिला दिया। अब प्रश्न क्या था, उसके बाद बोला है कि 6 कॉपियों का मूल्य, मतलब कॉपी कितना लेना है, 6, कॉपी की संख्या क्या है, नीचे है तो 6 तक कॉपी लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ ये पॉइंट मिला, कॉपियों की संख्या 6, वाई एक्सिस पे इसका मान कितना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मतलब 5 × 6 = 30, तो 6 कॉपियों का मूल्य कितना हो गया, यहाँ लिख देंगे 6 कॉपियों का मूल्य बराबर 30, 30 रुपया। 6 कॉपियों का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपया। अब उसी तरह बोला है 45 रुपए में कितने कॉपी मिलेंगे, तो 45 करने के लिए क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 45, 45 में आएंगे इधर कॉपी पे, ये बिंदु मिला यहाँ पे, इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 45, तो वाई एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है देख लो, 9, क्या लिखेंगे, 45 रुपए में 9 कॉपियां मिलेंगी। ये बन गया आपका सवाल, स्वयं करो, 18.2 का सवाल। कैसे बनाएंगे, हमने यहां हल करके देख लिया, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे, उसका जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसके हिसाब से अपने अपने साइज हिसाब से साइज ले लेना है कि कितना वर्ग आ जा रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ 5 लिए हैं, एक वर्ग बराबर 5 रुपया वाई एक्स अक्ष पर, और एक वर्ग बराबर एक कॉपी एक्स अक्ष पर। क्यों, क्योंकि हमारा कॉपियों की संख्या कम था, हम आसानी से इस बॉक्स में बना ले सकते हैं, और वाई एक्सिस में रुपए बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए उसको अपने हिसाब से अक्ष को बड़ा छोटा कर सकते हैं, वर्ग की संख्या को मान सकते हैं अलग पर। उसके बाद हमने एक लेखा चित्र बनाया, सभी पॉइंट्स को नोट किया, नोट करने के बाद 6 कॉपियों का मूल्य कैसे आता है, 30 रुपया, और 45 रुपए में 9 कॉपियां मिलते हैं। जैसे यहां पर 8 नंबर बनाया हुआ है, देखो, टैक्सी भाड़ा 7 बजे रवाना हुए, घंटा दिया हुआ है, 1 घंटा का भाड़ा है, 1 घंटा का किलोमीटर बताया गया है, 50 किलोमीटर, 2 घंटा में 100, 3 घंटा में 150, 4 घंटा में 200। फिर बोला लेखा चित्र, सुबह 10:30 बजे टैक्सी कितने दूरी तय करेगी बताना है, और 125 किलोमीटर दूरी कब तय करेगी ये भी बताना है। तो बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे, सुबह 7 बजे निकला था, तो 10:30 बजे कितना बजेगा, तो उसका हिसाब यहाँ पर जैसे ग्राफ में बनाया गया है, तो हमने दूरी को कितना लिया गया, देखो, एक घर बराबर लिया है 5, वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर एक वर्ग बराबर 5
5 किलोमीटर और एक्स अक्ष पे एक वर्ग बराबर एक घंटा ऐसे लिया हुआ है, या फिर आप इसको आधा घंटा के हिसाब से भी ले सकते हो, ताकि क्योंकि हमारा यहाँ आधा घंटा वाला समय पूछा है ना, इसलिए इसको हम आधा घंटा के हिसाब से ले लेंगे। एक घर बराबर आधा घंटा तो भी बन जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, ये ग्राफ पेपर में बनाया हुआ है, इसको यहीं पर देख लेते हैं। तो सिंपली एक्स अक्ष पे आधा लेना है और वाई अक्ष पे 5 किलोमीटर को लेना है। तो यहाँ पर जैसे बना दिया है, देखो 50, 100, 125, 30 ऐसे लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और इधर एक्स अक्ष पे क्या दिया है, आधा बताया गया है कि दो घर बराबर एक एक लिया गया है, दो घर बराबर एक, हमने एक घर को आधा लिया। सिंपल सा बात है, दो घर बराबर एक, दो तीन चार घंटा दिया हुआ है, चार घंटा में कहाँ जाता है 200 किलोमीटर, तो ये 200 किलोमीटर 204, फिर है आपका 150, 150, 3 तीन घंटा कहाँ पे, तीन घंटा ये रहा 150, 3 और फिर दो घंटा में जाता है 100 किलोमीटर 200 और एक घंटा में 50, ये बन गया। इसके बाद बोला सवाल में क्या था, 10:30 बजे, 10:30 बजे 7 बजे रवाना हुआ है, तो 10:30 बजे का कितने घंटे बाद, 3 घंटा 30 मिनट, तो 3 घंटा 30 मिनट में जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 30 मिनट। ये पिंक कलर का लाइन जो है इस तरह जाते हुए ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का दूरी देखेंगे वाई एक्स एक्सिस पे तो कितना है 175। तो 10:30 बजे कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी, 175 किलोमीटर। फिर बोला है 125 किलोमीटर दूरी कब तय करेगी, तो फिर 125 में जाएंगे एक्स एक्सिस पर, उसके बाद ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे कौन सा लाइन पे काट रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट कितना बजे है, देखो 2:30 घंटे बाद, तो 7 बजे रवाना हुई थी, 2:30 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 7 में 2:30 को जोड़ देंगे तो 7 × 2 = 9 मतलब 9:30 बजे। आठ नंबर ऐसे बनेगा। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में हम स्वयं करो 18.3 का हल करेंगे। धन्यवाद।